हेलो गाइस कैसे हो आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे और गर्मियों की छुट्टियों का मजा फुल ऑन ले रहे होंगे ले रहे हो कि नहीं यस yes, हम सब भी ले रहे हैं बट साथ ही साथ स्किन पे होने वाली प्रॉब्लम को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा क्योंकि स्पेशली गर्मियों में ही होती है स्किन से रिलेटेड सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जैसे कि पिंपल्स आना बहुत ज्यादा सन टैन हो जाना ड्राइनेस होना स्किन बहुत ज्यादा डल सी हो जाना ये सारी प्रॉब्लम्स गर्मियों में ही स्पेशली होती है तो ये समर्स में इन चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है हेलो जरूरत वेलकम बैक टू माई चैनल अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लेट मी नो यू माई नेम इज कोमल प्रोहित मैं मेकअप स्किन केयर है मेकअ मेकअप हैक्स हेयर स्टाइल्स इन सब टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाती रहती हूँ तो अगर आपको इन सब टॉपिक में इंटरेस्ट है देन प्लीज टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और नीचे दिए गए बेल आइकन पे डेफिनेटली क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई मैं वीडियो डालूंगी तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी आज मैं लेके आई हूँ समर स्पेशल फेशियल जो आपकी स्किन पे जो टैनिंग हो चुकी है उसे काफी हद तक रिड्यूस करेगा अगर आपकी स्किन जो है वो बहुत ज्यादा डल हो गई है जो ग्लो है आपके फेस से वो बिल्कुल गायब हो गया है अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो गई पिंपल्स आ गए फेस पे सो so, काफी हद तक इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा जल्द से आपकी स्किन में बहुत ज्यादा ग्लो आएगा आपकी स्किन बहुत ज्यादा व्हाइट होगी बहुत ज्यादा ब्राइट होगी बहुत ज्यादा लाइट होगी सो गाइज व्हाइट ब्राइट एंड लाइट कहने का मतलब कुछ इस तरह का नहीं है कि आपकी स्किन एकदम से गोरी हो जाएगी या एकदम से व्हाइट हो जाएगी जो कॉम्प्लेक्शन है वो कभी चेंज नहीं होता बटनिंग लाइटनिंग एंड व्हाइटनिंग कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपकी स्किन टैनिंग की वजह से थोड़ी सी डार्क हो चुकी है तो वो टैनिंग हट जाएगी एंड आपकी स्किन थोड़ी सी ज्यादा ब्राइट हो जाएगी थोड़ा फेस पे जो है वो ग्लो आ जाएगा ड्राइनेस हट जाएगा तो मेरा कहने का मतलब ये सब है सो येस डेफिनेटली ये सब चेंजेस देखने को मिलेंगे आपके फेस पे एक ही बार के फेशियल में सो यस लेट्स गेट स्टार्ट सो so गाइज हम करने वाले हैं फोर स्टेप फेशियल पहला स्टेप है क्लिनजिंग क्लींजिंग मिल्क बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ हाफ कप ऑफ मिल्क उसमें ऐड करने वाली हूँ पिंच ऑफ हल्दी अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी है तो आधा चम्मच लीजिए अदरवाइज घर की हल्दी है तो मेरी तरह वन फोर्थ टी स्पून आप हल्दी ऐड करेंगे अब आपको क्या करना है इसे गैस पे आपको गर्म करना है और पांच से दस मिनट तक धीरे गैस पे रखना है और एक पेस्ट रेडी कर देना है गाढ़ा होकर मिल्क अपने आप एक पेस्ट रेडी हो जाएगा एंड अब ये हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है क्लिनजिंग मिल्क जो है वो रेडी हो चुकी है उसे थोड़ा सा ठंडा करना है आपको तो गाइज अब इसी क्लींजिंग मिल्क की हेल्प से मैं करने वाली हूँ मेरे फेस को अच्छे से क्लीन तो बस आपको अपने हाथों की हेल्प से ऑल ओवर फेस पे इस मिल्क को फैलाना है दोनों हाथों की हेल्प से आप अच्छे से मसाज करिए कंफर्टेबल होकर अपना टाइम लेकर आपको अच्छे से मसाज करना है और अपने ऑल ओवर फेस को क्लीन करना है सो गाइज जैसा कि आपको पता है कि मिल्क के अंदर एक बहुत अच्छी क्लिनजिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है मिल्क हमारे फेस को बहुत अच्छे से क्लीन करता है हमारे के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज पाई जाती है जितनी भी डस्ट है जितनी भी गंदगी फैली हुई है उसे बहुत अच्छे से क्लीन करने में मिल्क बहुत अच्छा रोल प्ले करता है इसीलिए क्लींजिंग के लिए मिल्क को एक मेन इंग्रीडियंट माना गया है सो so गाइज आपको करनी है तीन से पांच मिनट तक मसाज So guys, अब आपको या तो आप फेस वॉश कर सकते हैं नहीं तो मेरी तरह पे wipes use में ले सकते हैं अपने face को अच्छे से वाइप कर दीजिए so ऐड करने वाली हूँ वन टेबल स्पून हनी शुगर जो होता है वो बहुत अच्छा एक्सफोलियशन का काम करता है हमारे फेस पे जितनी भी डेड स्किन है उसे रिमूव कर देता है इसलिए हम लोग यहाँ पे चीनी यूज में ले रहे हैं एंड वो बहुत ज्यादा माइल्ड भी रहता है हमारे फेस के लिए तो बहुत ज्यादा हमारे फेस को हार्म जो है वो नहीं होगा एंड बहुत ज्यादा माइल्ड स्क्रबिंग होगी तो इस तरह से आपको ऑल ओवर फेस पे स्क्रबिंग करनी है एंड जहाँ आपको लगता है आपकी डेड स्किन है वहाँ पर आप एक्स्ट्रा स्क्रब कीजिए थोड़ा सा आ, फिंगर्स की हेल्प से मसाज करते हुए एंड नोज एरिया पे लिप्स एरिया पे चिन एरिया पे जहाँ पर आपको लगता है आपके ब्लैक एड्स व्हाइट एड्स है वहाँ पर भी हल्के हल्के हाथों से आपको मसाज करनी है बहुत ज्यादा रब नहीं करना है नहीं तो क्या होगा ना वहाँ पर रेडनेस हो जाएगी हल्के हल्के हाथों से आपको मसाज करनी है लिप्स को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा क्योंकि लिप्स भी कभी कभी ड्राई हो जाते हैं तो इस तरह से अगर आप स्क्रबिंग करेंगे तो बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट हो जाएंगे सो गाइज मैंने यहाँ पर कर दी है स्क्रबिंग एंड इसके बाद आपको करना है अपना फेस वॉश तो यहां पर होता है हमारा सेकेंड स्टेप कंप्लीट सो so गाइज अब हम करेंगे हम हमारे फेशियल का थर्ड स्टेप जो कि है ग्लोइंग पैक ग्लोइंग पैक बनाने के लिए आपको लेना है ओट्स पाउडर एक चम्मच ओट्स आपको है ना पीस के इस तरह से पाउडर बना के रख देना है एंड उसमें ऐड करना है दो से तीन चम्मच मिल्क ये हो गया हमारा जो ग्लोइंग पैक है वो रेडी एंड अब आपको फेस पे लगाना है जब भी आप ये पैक बना रहे हैं ना तो कोशिश करिए कि हाथों हाथ बनाकर लगाइए अगर बहुत देर तक अगर पैक बना के रख देंगे फिर बाद में लगाएंगे तो क्या होगा ना ओट्स बहुत ज़्यादा स्टिकी होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा और स्टिकी हो जाएगा और फिर बाद में आप मतलब फेस पे लगाएंगे ना तो आपके फेस से रिमूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इसलिए कोशिश करिए हाथों हाथ लगा कर आपको उसे दो से मिनट के बाद में वॉश कर देना है और फेस पे बहुत अच्छा हाइड्रेशन देगा बहुत अच्छा ग्लो देगा इसलिए इसे हम कहेंगे ग्लोइंग पैक बहुत अच्छा ग्लो देगा आपके फेस को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करेगा बट ये कोशिश करिए कि इसे पूरी तरह से आपको ड्राई नहीं करना है दो से तीन मिनट के बाद में बस आपको इसे वॉश कर देना है अब हम करेंगे हमारे फेशियल का लास्ट एंड फाइनल स्टेप जो कि है कूलिंग मास्क कूलिंग मास्क बनाने के लिए आपको लेना है वन टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी और उसी में ऐड कर देना है वन टेबल स्पून चंदन का पाउडर अब उसमें गुलाब जल मिलाकर आपको पेस्ट बना देना है एंड अब आपको लगाना है इसे ऑल ओवर फेस पे इसे कूलिंग मास्क इसलिए बताया गया है क्योंकि ये बहुत ज्यादा कूलिंग इफेक्ट क्योंकि मैंने इसमें यूज में लिया है मुल्तानी मिट्टी और चंदन जो कि दोनों ही आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ठंडक देते हैं एंड साथ ही साथ अगर आपके फेस पे ओपन पोर्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ना देन ये बहुत अच्छा काम करता है आपकी पोर्स को श्रिंक करने में साथ ही साथ अगर आपके फेस पे बहुत पिंपल्स फेस को बहुत रिलैक्स करेगा बहुत ज्यादा कूलिंग इफेक्ट देगा तो मैं इसे लगा रही हूँ इस फेस पैक को आपको पांच से छह मिनट के लिए रखना है पूरी तरह से ड्राई नहीं करना है एंड पांच से छह मिनट के बाद में आपको इसे वॉश कर देना है सो so गाइज मैंने कर दिया मेरा फेस वॉश एंड आप डे लाइट में देख सकते हो मेरी स्किन कैसी दिख रही है हमेशा मैं जब भी अपना कोई फेशियल या पैक या स्किन केयर करती हूँ तो आपको डे लाइट में जरूर से बताती हूँ कि मेरी स्किन दिखती कैसी है एंड मेरी स्किन बहुत ज्यादा हो गई हाइड्रेट बहुत ज्यादा ग्लो कर रही थी सो so गाइज ये फोर स्टेप फेशियल को डेफिनेटली ट्राई करिएगा पार्लर में जाकर आप इतने महंगे फेशियल कराते हो ट्राई करते हो कि नहीं अपने। ये घर वाले फेशियल को है ना डेफिनेटली ट्राई करिएगा क्योंकि इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और रिजल्ट है ना

सो so येस yes, ये वाला फेशियल करना है आपको वीक में एक बार अगर आप बहुत ज्यादा बिजी है तो पंद्रह दिन में ये वाला फेशियल डेफिनेटली कीजिएगा आपको बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे अगर फेस में बहुत ज्यादा टैनिंग है तो मैं सजेस्ट करूंगी वीक में एक बार करिए ही करिए अच्छे रिजल्ट के लिए प्राइज आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा अगर रहा है देन प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो चिल्ड्रेन बाय बाय टेक केयर